अब आपके शहर अम में आ गई है डायमंड स्वीट्स एंड फास्ट फूड की दूसरी ब्रांच, जहां पर हर प्रकार की देसी घी की स्पेशल मिठाइयां, बेकरी आइटम्स, कैफे डे की कॉफी, केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम और फास्ट फूड उपलब्ध है। हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप, होम डिलीवरी सराउंडिंग 5 किलोमीटर। डायमंड स्वीट्स की मिठाइयां, समोसे, जलेबी के अलावा बेसन भी लाजवाब है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें डायमंड स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट ऊना रोड अम और डायमंड स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट नंदपुर चौक। पनोह गंडावल ग्राम पंचायतों द्वारा संयुक्त रूप से रामलीला मंचन किया जा रहा है। राजेश कुमार फैलू द्वारा ताड़का का रोल कर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया जा रहा है। इसके अलावा रामलीला मंचन के दौरान कई सुंदर दृश्य दिखाए जा रहे हैं। रामलीला मंचन के दौरान कोविड नियमों का विशेष ध्यान रखा गया है। पंडाल में पहुंचने से पहले दर्शकों की थर्मल स्कैनिंग के साथ ही सैनिटाइजेशन का भी विशेष प्रबंध किया गया है। जिन दर्शकों के पास मास्क नहीं होते हैं, उन्हें मास्क भी निशुल्क दिए जा रहे हैं। कमेटी द्वारा पिछले 8 वर्षों से रामलीला का सफल मंचन किया जा रहा है। इस बार जो रामलीला का मंचन हो रहा है, ये पहले की अपेक्षा इस बार थोड़ा कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से हमें उसके प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ रहा है। जितने भी दर्शक हमारे पंडाल में आते हैं, सबसे पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग, उनको कमेटी की ओर से फ्री मास्क दिए जा रहे हैं सभी को जिसके पास नहीं होता, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके सैनिटाइजेशन का भी उनके लिए विशेष प्रबंध किया गया है। तो ये रामलीला का आयोजन हमारी कमेटी पिछले 8 साल से लगातार करती आ रही है, इस बार 8वें वर्ष में प्रवेश की है। तो कोविड-19 की वजह से इस बार थोड़ा सा प्रबंध जो है वो पहले से हटके हमें करना पड़ रहा है, उसके लिए कमेटी ने विशेष तैयारियां की हुई है। कोरोना के ऊपर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना के ऊपर लोगों को यही संदेश है कि जो सरकार द्वारा टाइम टाइम पर गाइडलाइंस आती हैं, उनका पालन करते हुए रामलीला का आनंद भी उठाएं और अपने आप को इस महामारी से जरूर बचाएं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंदर अरोड़ा के साथ सुधीर चौधरी की रिपोर्ट।